अमरीका और भारत के मुश्तरका बयान पर दफ्तर खारजा की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीका और भारत के मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर जरूरी और गुमराहकुन है। यह हवाला सिफारती उसूलों के मुनाफी है और इसकी सियासी अहमियत है। तर्जुमान ने अमरीका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के करीबी तआवुन के बावजूद इस मामले को आलमीए में शामिल करने पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्ला अफवाज ने जानों के नजराने पेश करके एक मिसाल कायम की है। तर्जुमान ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में वहशियाना जबर और अकलियतों के साथ नारवा सलूक से तवज्जो हटाना चाहता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में किसी किस्म के इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम की कलीदी जराए को हल करने में नाकाम रहा। मुश्तरका बयान मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने में नाकाम रहा। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीका की तरफ से भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के मुंतकली पर भी पाकिस्तान को तशवीश है। ऐसे इकदाम खित्ते में फौजी अदम तवाजुन को बढ़ा रहे हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान दफ्तर का कहना था कि एक तरफा मौकफ की तौसीक से गुरेज करना चाहिए।